प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आत्मा से परमात्मा की ओर की अगली कड़ी में। तो आज हम 5 ऐसे श्लोकों का उच्चारण करेंगे जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो आज का पहला श्लोक है, अग्निशेष मृणम शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धे तस्माच शेषम नकारये। तो इसका भावार्थ है कि यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो बार बार बढ़ेगा, अतः इन्हें थोड़ा सा भी बचा नहीं रहने देना चाहिए। इन तीनों को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। तो दूसरा श्लोक बताता है कि नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृग विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। शेर का राज्याभिषेक तथा कतिपय कर्म कांड के संचालन के माध्यम से ताजपोशी नहीं करते, किंतु वह अपने कौशल से ही कार्यभार और राजत्व को सरलता और सहजता से धारण कर लेता है। तो हमारा तीसरा श्लोक है कि विद्वत्तम चन नृपत्वम चन एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वता और राज्य अतुलनीय है। राजा को तो अपने ही राज्य में सम्मान मिलता है, परंतु विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है। चौथा श्लोक है हमारा, पृथ्वी आम त्रिणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन, फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। अगला श्लोक है, मूर्खस्य पंच चिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वाश्च परवाक्ये श्रुणवादर। तो मूर्खों के 5 लक्षण हैं, गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर। अतः इनका त्याग करें व अपने चरित्र को विशाल बनाएं। तो आज के आत्मा से परमात्मा की ओर जुड़ने की कड़ी का समापन होता है। और अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आत्मा से परमात्मा की ओर जुड़ने की सभी कड़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रभु दर्शन में आने के लिए धन्यवाद।